भगवत मान नीतियों की बात कर रहे हैं और नीतियों को लेकर ही प्रशांत भूषण ने सवाल खड़ा किया है और यही भगवत मान प्रशांत भूषण के ऊपर पहले तल्ख टिप्पणी भी कर चुके हैं। 28 मार्च को आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की मीटिंग है और उस मीटिंग में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी से निकालने की मांग पर भी चर्चा होगी। यह मांग पार्टी के करीब 60 विधायकों ने एक चिट्ठी लिखकर उठाई थी। इस चिट्ठी की शुरुआत आप विधायक कपिल मिश्रा ने की थी। आज भी वो चाहते हैं कि उनकी मांग पर विचार होना चाहिए। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज जैन ने। अरविंद केजरीवाल के बेंगलोर से लौटने के बाद लगता है कि अब अंदरूनी विवाद कहीं ना कहीं थम जाएगा, लेकिन इसको लेकर हलचल चल रही है। और विधायकों ने जो चिट्ठी अरविंद केजरीवाल के नाम लिखी थी उसका क्या हुआ? हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कपिल मिश्रा। इस पूरे कहना चाहिए एक विधायकों की जो चिट्ठी थी उसको आप आगे लेकर चल रहे थे, अब अगली मुलाकात कब है अरविंद केजरीवाल से इस पूरी चिट्ठी को लेकर? चिट्ठी को लेकर तो अभी मुलाकात करने का कोई हम लोगों ने योजना बनाई नहीं है। अरविंद जी ने आते ही बयान दे दिया है कि सब लोग आपस में बैठ जाएं, आपस में बैठ के इस मामले को सुलझा लें। नाराज भी लग रहे हैं अरविंद जी, तो अभी तो चिट्ठी को देने का तो कोई सवाल नहीं है। ये जरूर है अरविंद जी से तो आज ही मिलने वाले हैं। जल बोर्ड को लेकर मीटिंग है, दिल्ली में पानी के कामों को लेकर मीटिंग है, सभी विधायकों से एक एक करके अरविंद जी मिल रहे हैं। 4 विधायकों के साथ उनकी आज मीटिंग है और सभी 70 विधायकों से उनकी विधानसभा में जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे वो कैसे पूरे किए जाएंगे उन सबको लेकर काम किया जा रहा है। आज मुलाकात होगी तो हो सकता है इसको लेकर भी आप चर्चा करें। आपने नाराजगी की बात की, लेकिन इसके पहले आप सवाल खड़े कर चुके हैं कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों में भी नाराजगी थी इसको लेकर, इस बात को रखेंगे आप आज? देखो अरविंद जी ने जो बोल दिया तो उसके ऊपर कोई और बात नहीं होती है। हम अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और अरविंद जी के साथ केवल जल बोर्ड के मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। अब आज इस संबंध में मुझे नहीं लगता, जब अरविंद जी ने बिल्कुल सीधे सीधे कह दिया कि लोग आपस में बैठें और आपस में बैठ के बात कर लें, तो आपस में बैठ के लोग बात कर ही रहे हैं। अब आपको भी नाराजगी नहीं है इसको लेकर कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए या नहीं? या फिर आपने जो चिट्ठियां लिखी थी, चिट्ठी में जो आपने बिंदु लिखे थे, जो वक्तव्य आपने दिया था, क्या उससे आप अभी भी सहमत हैं या फिर आप उससे पीछे हट रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो अपनी भावनाएं हैं, चिट्ठी में जो बातें लिखी थी वो दिल की भावनाएं बिल्कुल लिखी गई है और उन मुद्दों के ऊपर मुझे पूरा भरोसा भी है कि शीर्ष नेतृत्व तो विचार कर रहा है और उनके ऊपर काम भी करेगा जो हम लोगों ने लिखा है। सब लोगों को पता है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ पर बात अभी है। लेकिन आपस में, क्योंकि अरविंद जी की भी यही मंशा है कि इसको बढ़ाकर ना बढ़ाया जाए और आपस में बैठकर बात कर लिया जाए, और अरविंद जी इस मामले में थोड़े खुश भी नहीं थे ये जो पूरी प्रक्रिया सब लोगों की तरफ से हो रही थी, तो बिल्कुल अपनी बात पर तो हम लोग कायम है कि इस संबंध में कोई ना कोई कदम होना चाहिए कि और पार्टी में अनुशासन होना चाहिए और उसी अनुशासन को ध्यान में रखते हुए हमारी भी अब ये जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ देते हैं। 28 तारीख को नेशनल काउंसिल है, नेशनल काउंसिल में सब लोग चर्चा करेंगे।